बसमिल uh, तो अपने दसवें लेक्चर में हम लोग मौजूद हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के जिसमें हम कंप्यूटिंग uh, uh, सीखेंगे जावा लैंग्वेज की मदद से प्रोग्रामिंग सीखेंगे आज uh, हम कंटिन्यू करेंगे पिछले जो टॉपिक्स हैं ना uh, जो हमारे चल रहे हैं जावा लैंग्वेज uh, के लिहाज से uh, वो हम उसमें से कुछ हम कंटिन्यू करेंगे और हम uh, थोड़ा सा नंबरिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था उसमें हमने कंडीशनल सिलेक्शन यानी कि फेल्स के बारे में पढ़ा था हमने उसमें लूप्स यानी कि वाइल्ड डू वाइल्ड और फॉर लूप्स के बारे में पढ़ा था और तीसरी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट थी ब्रांचिंग की जो हमने नहीं पढ़ी थी ठीक है आ, तो ब्रांचिंग के ये तीन टाइप्स हैं ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न प्रैक्टिकली ये लफ्ज़ तीनों लफ्ज हैं ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न तीनों की वर्ड हैं या यूँ कह लेंगे तीनों इंस्ट्रक्शन हैं जो कि जावा uh, में यूज होते हैं पहले दो तो जो हैं ब्रेक और कंटिन्यू डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है या फंक्शनैलिटी इनकी यहाँ लिखी हुई है इज यूज ब्रेक अ लूप और इज यूज टू स्किप एनिट्रेशन इन द लूप ब्रेक और कंटिन्यू दोनों लूप के uh, वो हैं

मिसाल के तौर पर हमें हमारा जो काम हम कोई चीज़ ढूंढ रहे थे वो चीज़ हमें मिल गई है तो अगर मिल मिल गई है तो हमें मजीद लुक करने की ज़रूरत नहीं है मजीद एट्रेशन करने की जरूरत नहीं है तो लिहाजा हमें ब्रेक करना है मिसाल के तौर पर लुक को स्टॉप लुक को स्टॉप करके हमने आगे जाना है अगले अगले कोड को एग्जीक्यूट करना है या फिर कंटिन्यू के केस में अगर हम आ, जैसे इट्रेशन करनी है लूप में किसी चीज़ के ऊपर और हमें ये पता लग जाए कि जी जब हम काम करें दस स्टेप्स हमने नहीं करते हैं हम हर दफ़ा दस दस स्टेप करते हैं पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप चौथा स्टेप पाँचवा स्टेप दस स्टेप करते हैं ठीक है और फिर जब ये हो जाता है तो फिर हम दूसरी दफ़ा यानी कि लूप में लूप खत्म हो जाता है फिर हम सॉरी लूप की स्ट, स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है तो दोबारा अगर कंडीशन फिर भी ट्रू हो लूप की तो दोबारा यही दस स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं फर्स्ट फर्स्या अगर ऐसा है लेकिन हमें किसी जब वक्त लोप में ये पता लगता है कि जी इस दफ़ा स्टेप कैलकुलेट करने के एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है फॉर वट एवर रीज़न तो हम कैसे इस दफ़ा को छोड़कर छोड़ दें लेकिन लूप फिर भी ख़त्म ना हो अगली दफ़ा के लिए चले वो मिसाल के तौर तो पर हमने टें स्टूडेंट्स के लिए टेंथ स्टूडेंट्स के लिए लूप चला रहे हैं और लूप में हमें आ, करना ही है कि हर स्टूडेंट जो कि मैथ्स का स्टूडेंट भी है यानी कि अगर वो बाकी सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट है और साथ में मैथ्स का स्टूडेंट भी है तो उसके मार्क्स अपडेट हो जाए ठीक है अब अगर हम पहले स्टूडेंट पर प्रोसेस करते हैं हो गया दूसरे पर करते हो गया थर्ड स्टूडेंट पर प्रोसेस करते हैं और पता लगता है कि ये तो मैथ्स का स्टूडेंट ही नहीं है ठीक है तो हम ज, आ, फिर हमें उसके मार्क्स अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको स्किप करेंगे और हम स्किप करके नेक्स्ट स्टूडेंट को प्रोसेस करेंगे क्योंकि हो सकता है वो मैथ्स का स्टूडेंट हो ठीक है तो ये स्किप करने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है ठीक है सिंपल सही है लेट्स सी एन एग्ज़ाम्पल हमने ट्रक वाला एग्जाम्पल देखी थी ट्रक वाले एग्जाम्पल में था क्या था कि जी एक ट्रक के अंदर अगर फर्ज किया ट्वेंटी बॉक्सेज आ सकते हैं तो लूप ट्वेंटी पर लगा हुआ था कि जी जाओ जाके कलेक्ट बॉक्स करो यानी बॉक्स कलेक्ट करो उसमें भर दो लेकिन आ, अगर हमें ये पता लगे कि जी आ, घर के अंदर ट्वेंटी बॉक्स नहीं है दस है ठीक है तो तब भी काम ख़त्म हो गया ठीक है अगर हमें पता लगे इफ़ नो मोर बॉक्स टू कलेक्ट ठीक है अगर हमें यह पता लग गया तो क्या होगा इसका मतलब ये है कि हमारा काम ख़त्म हो गया तो हमने लूप को ब्रेक कर देना है ब्रेक करने के बाद फर्श किया हमें घर के अंदर सिर्फ चार बॉक्स थे तो i इज इक्वल टू जीरो से शुरू हुआ आई वन टू थ्री थ्री पर गया तो आफ्टर दैट देर इज़ नो मोर बॉक्स टू कलेक्ट ब्रेक कर देंगे तो इसका मतलब लूप को चलना तो ट्वेंटी तक चाहिए था लेकिन चलेगा वो फोर टाइम्स ही और अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ठीक है अगली एग्जाम्पल अवार्ड लाइसेंस टू अडल्टनली हमारे पास जी एक लूप है जिसमें हम जो है ना बीस लोगों बीस लोग हैं और हमने उनको लाइसेंस अवार्ड करने यानी कि कोई एक प्रोग्राम है जिसमें हम जैसे मैंने कहा था अभी एक एग्जाम्पल दी थी कि मार्क्स मैथ्स के स्टूडेंट के मार्क्स, मार्क्स अपडेट करने इसी तरह ये प्रोग्राम हो सकता है कि हमने लोगों को लाइसेंस देने हैं किसी चीज़ के तो लेकिन लाइसेंस हम सिर्फ उनको देंगे जो कि अठारह साल से ऊपर के होंगे ठीक है तो हमने लूप लगाया कि जी वो सारे के सारे जो लोग जो कि 20 के करीब लोग हैं उनके लिए लूप चले और हम उनकी एज चेक करेंगे अगर एज जो है वो लेस देन 18 नहीं है ठीक है तो अवॉर्ड कर दे लाइसेंस ठीक है लेकिन अगर एज लेस देन 18 है तो क्या करे कंटिन्यू तो मतलब इस इटरेशन को स्किप कर दे यानी कि इस बंदे को लाइसेंस अवार्ड बच्चे जो लेस है तो बच्चा है वो तो उसको लाइसेंस एवॉर्ड ना करे और लूप जो है वो अगले इटरेशन के लिए चल जाए ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है ब्रेक uh, और कंटिन्यू जो है हमारे वो लूप के लिए है। एक ब्रेक जो है वो लूप को ब्रेक करने के लिए और कंटिन्यू जो है वो लूप को स्किप करने के लिए लूप की एक इटरेशन को स्किप करने के लिए तीसरी जो हमारे पास ब्रांचिंग की स्टेटमेंट आती है, वो है रिटर्न की ठीक है। रिटर्न के बारे में अभी हमने ज्यादा उसके कॉन्टेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो लिहाजा भी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन अभी शॉर्टली आ भी जाएगा डिटेल कुछ ना कुछ आ, लेकिन वो रिटर्न जो है किसी एक मैथड या फंक्शन को फिनिश करते हुए एंड करते वक्त जिसने Uh, जिसने उसको कॉल किया होता है उसको कुछ डेटा रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है uh, अभी बस ये जहन में रख लें कि रिटर्न जो है नॉर्मली टू फिनिश अ ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ब्लॉक को फिनिश करने के लिए रिटर्न का uh, वो इस्तेमाल होता है ताकि यहाँ से जाएँ और अपने जिसने हमें हमसे पहले जो एग्जीक्यूट हो रहा था uh, वहाँ पर चले जाएँ कंट्रोल को वहाँ मूव कर दें ठीक है इसकी डिटेल में हम जाएंगे इनशाला अच्छा जी ये एक आ, डिफरेंट टॉपिक है यानी कि यहाँ तक हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के हमने तीनों टाइप्स पढ़ ली हैं कैसे हम आ, फ्लो के फ्लो को चेंज करते हैं यानी कि कंडीशनल इटरेशन के ज़रिए या फिर जंप्स के ज़रिए ये ब्रांचिंग जो है काइंड ऑफ जंप्स होती हैं इनके ज़रिए है हम कैसे चेंज करते हैं आ, उसके अलावा एक और छोटा सा वेरी स्मॉल वन एक टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर का ठीक है कंडीशनल uh, ऑपरेटर क्या होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली जो है ना uh, वो कोई ऐसा काम एक काम करता है यानी कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन ठीक है वो कंडीशन क्या है uh, मिसाल के तौर पर एक एक्सप्रेशन यानी कि फिर वही बात है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की सूरत में हमेशा होगा ठीक है और ये है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर ठीक है क्वेश्चन मार्क और टुगेदर uh, विद कॉलन ठीक है टुगेदर विद कॉलन ये जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है कि अगर फीमेल है यानी कि ट्रू है तो जेंडर को एफ असाइन कर दो वरना अगर ये फॉल्स है अगर ये ट्रू है तो एफ असाइन कर दो और अगर ये फॉल्स है तो एम असाइन कर दो असाइन मीन क्योंकि असाइन इस तरफ असाइन है ना ये वाली चीज ठीक है तो आपको अगर थोड़ा सा भी गौर करें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता लग जाएगा कि ये इफ एल्स की एक फॉर्म है जिस तरह हम इफ एल्स लिखते हैं कि इफ फीमेल तो जेंडर इक्वल टू तो एफ इफ एल्स जेंडर इक्वल टू तो एम ठीक है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना इफ आ, sorry, F -E -M -E -E, इफ सॉरी एफ एम फीमेल तो जेंडर इक्वल टू तो एफ ठीक है एल्स जेंडर इक्वल टू ठीक है ये वाला कोड इफ एल्स का जो ये कोड है सिंगल लाइनर यानी कि एक से ज़्यादा कमांड यहाँ पर नहीं हो सकती इस जगह पर ठीक है सिर्फ एक लाइन अगर हो तो हम उसको शॉर्ट हैंड वर्जन में इस तरह भी लिख सकते हैं ये जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क की मदद से ये सिर्फर, 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 सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिडिबिलिटी के लिए यानी कि इस वाले को लिखने के लिए अगर आपके पास इस तरह का कोड आपको लिखना हो तो उसकी जगह आप ये वाली चीज़ लिख सकते हैं इस तरह तो सिम्प्लीफाई हो जाता है देख के आपको फ़ॉरन यानी कि कोड जो है वो ज़्यादा क्लीन हो जाता है ठीक है जैसे हमने कई सारी चीजें देखी हम हमारे टारगेट uh, जो होता है हम कोड को मैनेजेबल रख सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास कोर्ट ऐसी हैं ऐसे टूल्स हैं जो कि ज़िए 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 हम कोड को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो लिहाजा ये जब हम इस तरह लिखते हैं तो ये हमें आ, अगर हमें पता हो गया जी इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क का कि जी ये क्वेश्चन ऑन द ऑन दिस एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट क्वेश्चन इफ इट इज इज ट्रू देन द फर्स्ट वन विल बी असाइंड दैट एफ और अदर अदरवाइज एम तो लिहाजा इस होगा क्या है कि इस जगह का इस जगह का जो रिज़ल्ट है टोटल उसका रिज़ल्ट या तो एफ होगा या एम होगा बेस्ड ऑन फीमेल जो है वो ट्रू है या फॉल्स ठीक है अगर वो ट्रू है तो एफ होगा ने? तो इसका मतलब है कि जो भी रिजल्ट इसका होगा वो जेंडर को असाइन हो जाएगा अगली एग्जाम्पल देख लें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने जी प्रिंट एलन अच्छा हमने बेसिकली आउटपुट uh, देना है अगर एज जो है लेस देन एटीन है तो माइनर प्रिंट कर दे ठीक है तो लिहाजा ये जो रेड लाइन लगी हुई है इस सॉरी uh, इस रेड लाइन का रिजल्ट क्या होगा इस रेड लाइन का रिजल्ट क्या होगा uh, कि अगर तो ये एज की वैल्यू जो है वो लेस देन एटीन है तो आउटपुट पर सिर्फ माइनर आएगा ठीक है ना जो इसका रिज़ल्ट है और अगर लेस देन एटीन नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ अगर हम एडल्ट लिख देते दे हैं तो पर उसके अडल्ट आता है लेकिन फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये एम टी आएगा ठीक है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर सिंपल सा है इफ एल्स का अल्टरनेटिव uh, वर्जन है यानी कि हम चाहें तो इसको इफ एल्स की मदद से भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं uh, अगर हमें ये आसान लगता है या uh, ज़्यादा रीडेबल लगता है रीडेबल ज़्यादा तो ये डेफिनेटली है ठीक है एन थिंग छोटे से टॉपिक कमेंट्स हम जब कोड लिखते हैं तो अभी तक हमने थोड़ा सा कोड लिखा है लेकिन चाहे हम थोड़ा सा लिखें चाहे ज़्यादा लिखें कोड को जब आप लिखते हैं तो बहुत सारी वजूहत की वजह से नंबर एक वजह ये भी हो सकती है मिसाल के तौर पर कि जो आपने लिखा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है कोड ठीक है एक्सप्रेशन जो है वो आपके दस पंद्रह फार्मूलों को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप लिखना लिखना हो कोड में अगर ठीक है यानी कि एक तो कोड है जावा का कोड दूसरा अगर आपने अंग्रेजी में अब में या फ्रेंच में जिसमें में अपने आपने उसका कोई एक्सप्लेनेशन लिखनी है उस इस चीज़ के मतलब उसके अलावा वजह हो सकती है जी कि आप कुछ भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आ, तो आप इस वजह से भी लिखना चाहते हैं कि कल को दो महीने बाद छः महीने बाद साल बाद अगर उस आप उस कोड को देखें और आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी आपने ये क्यों किया था तो डेट विल बी योर लॉस की जी आपको फिर दोबारा उस पर टाइम लगा के उसको समझना पड़ेगा कि आपने क्या किया था ताकि आप उसको ठीक कर सकें अगर फर्ज के कोई इशू आ रहा है और अगर इशू नहीं आ रहा उसको री करना है तो उसको दोबारा से समझना पड़ेगा तो लिहाजा अच्छा ये है कि आप सादा जबान में कोई कोड लिख दें ठीक है इसी का एक और वर्जन कह लें इस इस नीड का जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है जो कि जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं कि कोड जो है वो हम लोग टीम में करते हैं जो आपने आज कोड लिख दिया है कल को हो सकता है कोई और बंदा उसको देख कर उसको एक्सटेंड कर रहा हो उसमें बढ़ा रहा हो उसमें कोई और चीज डाल रहा हो ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जी आपका कोड है आपने लिखा है वो कोई और बंदा पढ़ रहा होगा अब उसको आपने जिस तरह कोड लिखा है क्योंकि जैसे हमने देखा एक ही कोड को कई तरीकों से लिख सकते हैं अभी तक के चीजों में डिस्कशन में आपने देखा होगा तो लिहाजा हम एक चीज को कई तरीके से लिख सकते हैं बहुत जरूरी नहीं है कि आपको आपके लिखी हुई चीज को दूसरा बहुत आसानी से समझ

तो वो कमेंट को इग्नोर कर देगा क्योंकि कमेंट उसके लिए नहीं है कमेंट हमने अपने लिए या अपने कोलीग्स के लिए लिखा है ठीक है तो दो फॉर्म कमेंट्स की होती हैं अच्छा ये एक बात ये भी ध्यान में रखें कि आ, ये कमेंट जो है नीड्स वगैरह मैंने आपको कुछ थोड़ी बहुत बताई लेकिन इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा कर लिखने की कोशिश करना है जितना आप ज़्यादा लिखेंगे अपने कोड में उतना ज़्यादा आपको आ, समझ में ज़्यादा आएंगी अगर आप अपने कोड को एक अंग्रेजी में लिख नहीं सकते इसका मतलब है कि आपको खुद ही सही से समझ नहीं आपने को तो कल कोड लिख दिया अच्छा तो कमेंट लिखने के दो तरीके हैं Uh, यही सिर्फ दो तरीके जवाब में ठीक है दूसरी लैंग्वेजेज में और तरीके भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेज लैंग्वेजेज में इसी तरह के ये दो तरीके नॉर्मली होते हैं अगर आपने जस्ट एक लाइन लिखना है आपने कोई कोड लिखा है उस कोड के ऊपर आपने जस्ट एक लाइन लिखनी है कि दिस इज फॉर ब्लाब लबला ठीक ब्ला, है अगर सिर्फ एक लाइन लिखना है तो आप इस दो स्लैश की मदद से लिख सकते हैं ठीक है जब भी आप दो स्लैश लगाएंगे किसी भी लाइन में किसी भी जगह पर ठीक है ये स्टार्ट ऑफ द लाइन है ये मिडिल ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द लाइन भी हो सकता है तो फ्रॉम दैट पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से आगे जो है वो सारा कमेंट बन जाएगा कमेंट बन जाएगा का मतलब ये कि कंपाइलर जब इस दो स्लैश को देखेगा तो इससे आगे सारी चीज़ को इग्नोर कर देगा उस लाइन ठीक है तो आ, मिसाल के तौर पर आप ऐसे कोड लिख सकते हैं एंड एक्वल टू टेन से ख़त्म हो गया कमांड उसके बाद आपने कमेंट लिख दिया इज़ फॉर एज वट एवर ये मैं नीचे आ गया लेकिन फर्ज किया आपने इसको एक लाइन में लिखा होगा ठीक है तो इसका मतलब क्या आएगा ये कमेंट कंपाइलर जो है वो इसको पकड़ेगा इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और इसको इग्नोर कर देगा ठीक है दूसरा टाइप हमारे पास कोड की होती है जिसका मल्टी लाइन कहते हैं क्योंकि हम हमेशा एक ही लाइन में इतना छोटी सी बात एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो अक्सर हो सकता है कि वो आ, आपको मल्टी लाइन की जरूरत हो ज्यादा लाइनों में वो एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट आएगी तो उसका तरीका स्लैश और स्टार है तो स्लैश और स्टार जब कंपाइलर देखता है तो वो उससे ऑनवर्ड जो है वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना शुरू कर देता है जब उसको आप तो जितनी भी लाइनों में ये चलता रहेगा चलता रहेगा वही सब कन्वर्ट करता रहेगा एंड पे जाके जब भी उसको स्टार और स्लैश मिलेगा वहाँ पे जाके रुजेगा उससे आगे वाले कोड को दोबारा तो बाइनरी uh, में कन्वर्ट करना शुरू करेगा नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड इन दिस ठीक है सिंपल आगे चलते हैं अच्छा जी कई दफ़ा हम लोगों ने हम लोगों को ऐसे टाकरा हुआ है आ, शुरूस में ही हमने ये चीज़ें देखी हैं बाइनरी नंबर और फलामला यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे आ, देखते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम्स क्या क्या होते हैं हम लोगों को कौन से पता है सबसे ज़्यादा हम कौन सा यूज़ करते हैं हम डेसीमल नंबर यूज़ करते हैं ठीक है डेसीमल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें दस डिजिट होते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो जीरो से लेकर नौ तक के दस डिजिट हमारे पास जो हैं उसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं डेसिमल uh, सिस्टम uh, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं उसकी बहुत सारी वजूबात होंगी बहरहाल uh, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्योंकि हमारे हाथों में दस उंगलियाँ और शुरू में काउंटिंग के लिए uh, आपके पास शायद यही ऑप्शन यही टूल था तो ऐसा ऐसा कोई वॉल जो है दस का सिस्टम uh, बन गया ठीक है तो सबसे uh, सब अच्छा सबसे आसान सिस्टम हमें यही लगा और uh, फिर वॉल्व के उसके बाद अब ये एक uh

हम वन डिजिट इस्तेमाल करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल दस डिजिट्स हैं ठीक है इसमें लेकिन जैसे ही हमारे पास ग्यारहवा आइटम या इन 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 दस आइटम यानी कि हम ज़ीरो को शामिल कर लें तो दस ये हो गए और ग्यारहवा आइटम जैसे आता है हमारे पास हमें उसको काउंट करने के लिए हमारे डिजिट्स में कोई नंबर नहीं है ठीक है तो फिर हम क्या करते हैं हम दो को जोड़ लेते हैं वन और, और ज़ीरो ठीक है मैं एक सेकंड अपना कलर चेंज करूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता अच्छा हम क्या करते हैं जैसे अगला नंबर आता है हम उसको चेंज, चेंज करके वन और जीरो बना देते हैं अब फिर अब हम लेफ्ट पे वन रख के कंटिन्यू करते जाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन से, से, एट नाइन एंटिल नाइन आता है तो हम कहते हैं ओ, हमारे पास वन के साथ रख के फिर ख़त्म हो गया तो हम वन को हटा के टू कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू शुरू कर लेते हैं जीरो से लेकर नाइन तक एंड सोन फिर इवेंचली हम नाइनटी नाइन में पहुँचते हैं तो फिर हमें पता लगता है वो अब तो टू डिजिट वजह से भी हम काम नहीं कर सकते तो हम फिर थर्ड ऐड करते हैं ठीक है इसको हमने सादा अल्फाज में कैसे पढ़ा था इसको हमने Uh, आपको याद होगा यूनिट uh, टेंड्रेड थाउजेंड ये वाले जो प्लेसेज थाउजेंड एंड सो ऑन ये हमने नंबरिंग सिस्टम में पढ़ा था डेसिमल में पढ़ा था यानी कि तकरीबन शायद थर्ड ग्रेड में फोर्थ आई डोंट नो सेकंड ग्रेड में शायद और अगर उर्दू में पढ़ा था तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हजार लाख लाख करोड़ दस करोड़ वो सब पढ़ा था ठीक है वो क्या होता है वो इस नंबर की पोजिशन होती है यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट का एक नंबर है चार हज़ार सात सौ तेईस ठीक है तो जो पहला होता है वो इकाई कहलाता है इकाई का मतलब होता है टेन टू दावर ज़ीरो ठीक है ज़ीरो जो ऊपर है वो उसके टेन टू दावर जीरो जो कि इवेंचुअली टेन टू द पावर जीरो का मतलब वन होता है ठीक है तो इकाई का मतलब होता है वन से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी वैल्यू इस 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 खाने की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है तीन है ठीक है हाँ टेंथ क्या होता है टेंथ का मतलब होता है टेन टू दावर वन ठीक है टेन टू दावर वन का मतलब है कि टेन तो टेन को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस खाने की हमारे पास वैल्यू आ जाती है टू जो कि ब्लू के अंदर नजर ही नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ टू ठीक है फिर थर्ड खाना हमारे पास आ जाता है चूँकि ये हंड्रेड का खाना है हंड्रेड का खाने का मतलब होता है टेन टू दी पावर टू मतलब हंड्रेड तो हंड्रेड को फोर से मल्टीप्लाई करें तो इस खाने की वैल्यू होती है हमारे पास फोर हंड्रेड ठीक है और ये जो आखिरी खाना है यहाँ पर इस नंबर के लिए वो टेन टू द पावर थ्री यानी कि वन थाउज़ेंड का खाना है तो वन थाउजेंड को सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बन जाता है हमारे पास सेवन थाउजेंड और जब हम इन चारों को ऐड करते हैं सेवन थाउजेंड प्लस फोर हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस थ्री तो बन जाता है सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री ठीक है ये यानी कि रि रिवीजन था क्लास टू का ये क्लास वन का ठीक है अब हम आगे चलते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस जो है वो है बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर जो है हमारा वो बाइनरी सिस्टम है बाइनरी सिस्टम में हमारे पास डिजिट्स हैं बस दो हमारे पास वो लिबर्टी जो थी दस डिजिट्स की वो ख़त्म हो गई है ठीक है आ, एक सेकेंड होल्ड करना अच्छा तो हमारे पास डिजिट रह गया सिर्फ दो तो अब हम क्या करें आ, कुछ नहीं करेंगे वही करेंगे जो हम डेसिमल सिस्टम में करते हैं आ, हमने जब ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना है तो हम पहले डिजिट को यूज़ कर लेंगे मैं एक दफ़ा फिर कलर चेंज कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जब हमने जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो हम जीरो को पहले डिजिट को यूज़ कर लेंगे जब हमने वन को रिप्रेजेंट करना है तो हम दूसरे डिजिट को यूज़ रख कर लेंगे लेकिन दैट्स इट इसके बाद अगर हमने दो को रिप्रेजेंट करना है जीरो वन के बाद दो को तो दो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो जो हम डेसिमल में करते थे हम वही करेंगे एक को लेकर उसके आगे दूसरा नंबर लगा लेंगे तो ये हमारा क्या बन गया टू ठीक है उसके बाद अगला नंबर हमने थ्री को रिप्रेजेंट करना हम क्या करेंगे वन के आगे वन लगा लेंगे क्योंकि जीरो इधर लगा लिया वन इधर लगा लिया ये हो गया हमारे पास थ्री फ़ोर करने के लिए क्या करेंगे अब दोनों नंबर यूज़ हो गए और कोई ऑप्शन नहीं बची हम लेफ़्ट पे एक और बढ़ा देंगे ठीक है वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है जब हम वन ज़ीरो हो गया हमारा ये हमारा फ़ोर हो गया ठीक है इसी तरह फाइव जो होगा हमारा आ, वो होगा जैसे यहाँ नज़र आ रहा है वन ज़ीरो वन ठीक है एंडसॉन so अब हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे ठीक है तो ये यानी कि इस तरह हम ये करते हैं फिर मुझे एक सेकंड होल्ड करना पड़ेगा अच्छा तो ये अब हमें क्लियर हो गया कि कैसे हमारी चीज़ उसी तरह डेसीमल उस तरह बढ़ती रहेगी ठीक है इवेंचुअली होता क्या ये यानी कि तरीका क्या है अब जैसे यहाँ पर एक नंबर एक नंबर वन ट्वेंटी थ्री को आपने डेसीमल में यानी कि चेंज होता कैसे साइंस से सीखा है वो वही सिस्टम है टू से आप इसको क्योंकि आपके पास बेस सिस्टम बाइनरी में टू होता है तो इसको टू से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर बचता है वो आपका नंबर बनता जाता है टू uh, से डिवाइड करेंगे सिक्सटी वन आ जाएगा इकसठ आ जाएगा इकसठ को रखेंगे थ्री टू से डिवाइड करेंगे थर्टी आ जाएगा थर्टी को रखेंगे टू से डिवाइड करेंगे पंद्रह आ जाएगा पंद्रह को रखेंगे एंड ये सारा कुछ हम करते करते वहाँ तक कि जब हम उसको जीरो से यानी कि उसका जो वो क्वेश्चन जो है वो जीरो आएगा जब वो क्वेश्चन जीरो आएगा तो उसके नीचे जो भी हमारा रिमाइंडर था हम उनको जमा करेंगे तब तो वो हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा यानी कि वन ट्वेंटी थ्री इज एक्चुअली वन 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 जीरो वन वन ठीक है ये चीज़ अच्छा ये 171 नंबर है अब 171 भी उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर ये वाला टेन का कैलकुलेट किया था उसी तरह देखें यानी कि अगर हमने ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास ये नंबर है वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन अगर ये नंबर है तो उसको तो राइट साइड से शुरू हो जाए सबसे पहले वाले के साथ लगेगा टू टू दी पावर जीरो उससे अगले वाले के साथ लगेगा टू दी पावर वन उससे अगले के साथ लगेगा टू दी पावर टू टू दी पावर थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है अब अगर वो वन है तो वो वैल्यू रहेगी टू द पावर जीरो वन वन इंटू वन वन ये इसकी वैल्यू वन हो गई टू द पावर वन हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाई वन इसकी वैल्यू हो जाएगी टू इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो इसकी वैल्यू हो जाएगी एट टू दावर थ्री होता है एट एट मल्टीप्लाइड बाई वन वन एट ठीक है इस तरह करके सारे नंबर को हम uh, लिख लेंगे और उसके बाद इन सारों को हम ऐड करेंगे टू प्लस एट तो ये वन सेवेंटी वन बन जाएगा ठीक है बेसिकली बाइनरी सिस्टम जो है वो तकरीबन यानी कि यही यही चीज़ तकरीबन होती है लेकिन यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं क्या ये है? होमवर्क आपने क्या करना है आ, बेसिकली अपेंडिक्स एफ है डेनियल की बुक में आ, उसमें यह ये चीज़ ये वहीं से मैंने ली है आप उसको तफसील से पढ़ेंगे और उसके बाद आप असेसमेंट uh, में आपको इस तरह की एक्सरसाइज मिलेंगे जिसमें आपने नंबर वगैरह कन्वर्ट करने होंगे तो आपको ये नंबर वगैरह कन्वर्ट करना डेसिमल से बाइनरी वैवर ये आने चाहिए ठीक है हम लेकिन वह आगे चलते हैं। हम अपनी समरी के लिए जो हम आपको अगला है सिस्टम यानी कि डेसिमल और बाइनरी बेसिकली डेसिमल जो हम कॉमनली कौर्म, यूज़ करते हैं बाइनरी जो होगी कंप्यूटर यूज करता है ए, उसके अलावा यानी कि कह लेंगे प्रोग्रामिंग में जो सिस्टम को यूज़ करते हैं वो है डेसिमल अगर अच्छा हेक्सर डेसीमल का क्या मतलब है का मतलब है कि अगर हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो दस या दो नहीं अगर सोलह होते तो गिनती कैसी होती है ठीक है अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो इंसान थे फर्ज के अब इंसानों के पास दस उंगलियों की जगह अगर सोलह उंगली होते तो क्या होता बड़ी सिंपल सी बात है कि फिर हमारी गिनती जो है वन टू थ्री फोर सेवन के बाद हमारी या फर्ज लें टेन अलेवन थर्टी थर्टीन फोर्टीन जो हम कहते हैं ना शायद हम कहते हैं उसको यही लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सबके लिए एक एक डिजिट्स होते ठीक है ना क्योंकि जितने हम यानी हमारे पास वो अकाउंटिंग के बेसिस क्या, क्या कहेंगे तो जो भी डिजिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर सिंगल डिजिट होगा तभी हम उसके ऊपर फॉर्म करके यानी नंबर्स बना सकेंगे उससे ऑनवर्ड ना तो जब हम उसको लिखते हैं जब हमने बाद जब इस चीज़ को इजाद किया या बनाया किया, whatever, तो को हमने किस से रिप्रेजेंट कर लिया हमने जो अगले छह करेक्टर थे उनको हमने ए बी सी डी और ई e, और एफ से रिप्रेजेंट कर लिया तो लिहाजा जब भी हम हैक्स डेसिमल में ए देखेंगे तो इसका मतलब होगा एक्चुअली टेन बी देखेंगे तो इसका एक्चुअली मतलब होगा एलेवन सी का ठीक है एफ इज फिफ्टीन तो अब अब हेक्सर डेमेल में डिफरेंस क्या है बहुत ही सिंपल है कि इसमें पंद्रह डिजिट हो गए अब इसका मतलब है कि इसमें जो हम नंबर लिखेंगे तो नंबर लिखने में काफ़ी छोटे होंगे मतलब ये कि सोलह जो है हम डेसिमल में लिखते हैं तो उसमें हमें दो नंबर दो डिजिट चाहिए होते हैं ठीक है और सॉरी सोलह नहीं पंद्रह पंद्रह को लिखने के लिए हमें दो डिजिट चाहिए होते हैं वन और फाइव ठीक है और हैक्स में लिखने के लिए हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए होता है एफ क्योंकि उसकी बेस बड़ी है ठीक है ना आ, बेस डेसमल में बेस टेन है बाइनरी में बेस टू है और डेसीमल में बेस सिक्सटीन है सिक्सटीन बड़ा है तो ज्यादा उसमें ज़्यादा वो उसमें आ जाता है फॉर तरीका इसको भी कैलकुलेट करने का नंबरिंग सिस्टम वही, वही सेम है बेस हमने चेंज कर दिया है तो लिहाजा बाकी चीजें लेकिन उसी तरह रहेंगे हमने कोई भी नंबर कंप्यूट करना है तो वो उसी तरह ही कंप्यूट होगा अगर हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसी तरह हम उसके द पावर जीरो ये वाला टू यानी फोर थर्टी इसको फोर थर्टी वन ही पढ़ना चाहिए फोर थ्री वन फोर थ्री वन हैक्स ये अगर फोर थ्री वन हैक्स हो तो एक्चुअली वो एक हजार तिहत्तर होता है डेसिमल में ठीक है क्योंकि हम उसको जब उसकी बेस वैल्यू है, हम यहाँ पर हमारी टेन नहीं है बेस वैल्यू अगर ये टेन होगी तो ये वैल्यू बन जाएगी फोर जब ये सोलह हो जाएगी बेस तो ये बन जाएगी वैल्यू वन थाउजेंड एंड सेवेंटी थ्री इसी तरह ये एफ 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 ठीक है एफ 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 जो है बेसिकली चार डिजिट ऑफ एक्सडेसिमल ठीक है चार डिजिट और हाईएस्ट डिजिट यानी कि एफ जो है उसका यहाँ पर देखें हाईएस्ट डिजिट है तो जब हम ये हाईएस्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बनता है ठीक है ये वही नंबर है जो कि हम कहते हैं कि आ, दो बाइट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो स्टोर हो सकती है अब हम दो बाइट क्यों कहते हैं दो बाइट हम इसलिए कहते हैं कि जो अह हेक्स हेक्स है अह उसका सिंगल डिजिट जो है वो हाफ बाइट का करता है बल्कि हम वो देखते हैं हम आगे चलते हैं ठीक है ये देखें लेफ्ट साइड पर जो है ना अभी आपको नजर आ रहा है हमारा सिंपल टेबल आ, जस्ट अ सेकेंड जस्ट सेकेंड मुझे जाना ये सिस्टम जूम कह रहा है कि ज़रा क्वालिटी ख़राब हो सकती है तो मैं इस वक्त तो जो लेफ़्ट हमारे पास टेबल है इसमें हम देख रहे हैं कि बेसिकली सारे हेक्सा uh, डेसीमल के लिहाज से सारे डिजिट्स उसमें मौजूद हैं ठीक है यहाँ तक वन जीरो से लेकर एफ तक और ज़ीरो से लेके एफ तक जो है डेसीमल में है वो कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी और डेसीमल क्या है ठीक है हम देखते हैं डेसीमल uh, में हमारे पास दस डिजिट जो हैं अनटिल uh, यहाँ तक यानी कि ज़ीरो से लेकर नाइन वो सिंगल डिजिट में उसके बाद दो डिजिट में और बाइनरी जो है वो देखें तो यहाँ तक यानी कि सिर्फ दो जो है वो सिंगल डिजिट में और उसके बाद दो डिजिट ऑन ओन, ऑनवर्ड हो जाता है ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें जो कि काफ़ी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग सी है वो क्या है कि बाइनरी का जो नंबर है वो चार बिट के अंदर वो सारा एकसर डेसिमल जो है वो आपका एक्सर डेसिमल के सारे सिंगल डिजिट जो हैं वो चार बाइनरी डिजिट के अंदर पूरे आते हैं ठीक है उसके बाद चार बाइनरी डिजिट्स, तो डिजिट्स, डिजिट्स हमारे लिहाज से वो सेम है। तो अगर आप देखें चार जो अगर आपके पास हो तो आप सिंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे उसके जीरो को आप सारे जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके एफ को यानी कि मैक्सिमम को आप सारे वन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बाकी सारे उसके कॉम्बिनेशन जैसे आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं ये एग्ज़ाम्पल के अंदर ये जो पहला चार है वन वन ज़ीरो ज़ीरो कौन सा है ये वन 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 ज़ीरो ज़ीरो ये है। ठीक है सी तो यहाँ देखें सी लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद है ज़ीरो 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 तो ज़ीरो 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 है वो ज़ीरो लिख दिया अगला भी सी है वन वन ज़ीरो ज़ीरो और अगला भी ज़ीरो तो ये सी ज़ीरो सी ज़ीरो हमारे तो यानी कि हमने क्या किया हमने उसको काइंड ऑफ कंप्रेस कर लिया तो हमारे लिए ज़्यादा आसान नहीं है कि जब हम उसको इस्तेमाल करें है तो वो भी वही चीज़ लेकिन बाइनरी सिस्टम ही को रिप्रजेंट करें क्योंकि हेक्साडेसिमल जो है, है वो रिलेशनशिप उसका बाइनरी से बनता है कि चार में वो फुल हो जाता है और लीनियर रिलेशनशिप है उसको कहीं पर ब्रेक नहीं होता तो C0 C0 इस्तेमाल करना उसको यूज़ करना राइट करना देखना ज़्यादा रीडेबल है ठीक है ना वरना अगर आपको यही नंबर पढ़ना पड़े सी जीरो जीरो सी जीरो किसी को बताना हो या किसी को कम्युनिकेट करना उसके मुकाबले आपको कम्युनिकेट करना हो वन वन जीरो 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 ज़ीरो जीरो जीरो वन वन जीरो 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 ज़ीरो जीरो दैट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड ये वाला क्या है मिसाल के तौर पर इसको अगर मैं कि ये आप मुझे बताएं तो ये क्या है वन वन ज़ीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो 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 वन जीरो ठीक है इसे किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने किस नंबर की बात की ठीक है तो लेकिन यही चीज़ को वन वन जीरो वन को हम यहाँ टेबल में ढूंढेंगे किधर वन वन जीरो वन डी है और उसके बाद जीरो वन 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 जीरो वन 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 हमारा सेवन है ठीक है उसके बाद वन 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 जीरो वन 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 ज़ीरो ई है और उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो टू है तो डी सेवन ई टू है हमारा नंबर ठीक है तो और बेसिकली तो हमें पता लग जाता है कितना यानी कि सेम बाइनरी नंबर जो है हम उसको अगर हैक्स में रिप्रेजेंट करें तो हमारे लिए वो ज़्यादा हैंडी ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल हो जाता है अच्छा हमें इसके अलावा ये पता है कि जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जो बना हुआ है जिस तरह भी उसमें हम सिंगल बिट्स को तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं, नहीं सकते हमने ये पढ़ा था हमने देखा था सोचा यानी कि अर्ली अर्ली लेक्चर्स में ठीक है हमने कहा था कि हम उसको कंबाइन करते हैं पर हमने क्या कहा था कि हम किसको किसमें किस में कम्बाइन करते हैं नॉर्मली फॉर फॉर वट एवर रीजन वो एट बिट्स में जब हम उसको कम्बाइन करते हैं तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है कम से कम जो बिट्स हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एट बिट का या एक बाइट का है तो जब हम एक एट बिट्स को हम जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि चार बिट और चार बिट ठीक है तो हमारा दो हैक्स डिजिट जो है वो बेसिकली एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है तो लिहाजा हमारे यानी कि इवन सारे कमांड सारी बाइनरी चीज़ जहां पर भी आप देखेंगे वो सारा जो होगा जाहिर तो बाइनरी डेटा है तो उसको होना तो वन वन जीरो जीरो वन में चाहिए आप अगर कोई प्रोग्राम खोल के उसको किसी हैक्स एडिटर के अंदर सॉरी हैक्स एडिटर मैं कहूँगा तो हैक्स ही होगा वो लेकिन अगर बाइनरी एडिटर में भी देखेंगे तो बाइनरी एडिटर उसको आपको जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन दिखाएगा आप उस फर्ज के एक सेक्शन में वो आपको जीरो जीरो वन जीरो दिखा रहा होगा वो आपके लिए प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं होगा दूसरे सेक्शन में वो उसका नॉर्मली हैक्स वर्जन दिखा रहा होगा तो उसको आप देख के फ़ौर कुछ कहेंगे कि यार इसका मतलब कुछ ये है या वो है वटैवर ठीक है तो प्रैक्टिकली इस वजह से हम नॉर्मली नंबरिंग सिस्टम जो हैल का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग बहुत सारी जगहों पर ही आएगा इस वजह से इसका अपना सब्जेक्ट भी आप जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डिफरेंट उसमें प्रोग्रामिंग अभी हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में चूँकि ये बहुत ज़्यादा होता था तो इसलिए समरीली मैंने आपको ये वाला सेशन दिया लेकिन आपने जाके वह होमवर्क उसको -उस -उस सही से पढ़ना है और उसको सही से समझना है कि जी इस नंबर के इसका एक पिक्चर अपने में आपके क्लियर होने चाहिए ताकि क्योंकि ये हर जगह यूज़ होगा प्रोग्रामिंग में नंबर्स नंबर में इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारी जगहों पर तो फिर आपको ये तंग ना करेंगे जी ये चीज़ क्या होती लेकिन अगर आपने नंबरिंग सिस्टम बचपन में सही से पढ़ा हुआ है तो फिर तो होपफुली In, मेरे इस डिस्कशन से ही ये चीज वैसे ही क्लियर हो गई होगी हम आगे चलते हैं आगे क्या है जी ये क्या किया मैंने अच्छा शुरू से शुरू हो गया है मी गो टू स्लाइड अच्छा जी हम वापस आ गए बैक टू द बेसिक्स नंबर गैसिंग गेम हमने आपको आई डोट नो याद है कि नहीं याद है हमारा एक नंबर गैसिंग गेम था जिसका हमने एलगोरिदम लिखा था हमने कुछ बातें मजीद भी की उसके मतलब की थी तो हम उसको दोबारा यहाँ पर देख रहे हैं और मकसद जो है वो ये है कि हम कोड कैसे लिखते हैं इसको हमने समझना है या गैस करना है या सम, समझना है ठीक है था कि हमको तो सबसे पहले ये हमने लेफ्ट कोड लिखा है हमने सिंपल अंग्रेजी में लिखा था कि जी आ, दो नंबर होंगे लोएस्ट और हाईएस्ट हम उसका मिडल लेंगे मिडल लेके हम उसको यूजर को कहेंगे कि भाई यही है तुम्हारा नंबर वो कहेगा यस या ये नो अगर तो वो कहता है यस तो हम खुश हैं गेम खत्म हो गया हमने यस कर लिया अगर वो कहेगा नो तो उससे पूछेंगे अच्छा फिर Uh, मेरा नंबर जो है वो बड़ा है तुम्हारे नंबर से या छोटा है बेस्ड ऑन दैट हम अपने रेंज को चेंज करेंगे और हम नया नंबर गैस करेंगे बाय बाय टेकिंग द मिडल ऑफ दैट रेंज और फिर हम उससे पूछेंगे हम ये बार बार रिपीट करेंगे आखिरकार ये उधर कहेगा कि हाँ भाई तुमने मेरा नंबर गैस कर लिया तो हम उस पर ख़त्म कर देंगे ये हमने थोड़ा कोड लिखा था तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये दो चीज़ें बल्कि तीन चीज़ें हैं हमारे पास इधर ठीक है इम्पोर्ट uh, uh, के स्टेटमेंट है क्लास uh, नाम है और वो स्टेटमेंट है और उसके बाद बेसिकली पब्लिक स्टेटिक वॉर्ड मेन एक फंक्शन है जो कि मैंने कहा था कि एंट्री पॉइंट होता है ठीक है और इवन फोर्थ वन के इनपुट जो है इनपुट लेने के लिए एक लाइन इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये लिखना होता है ये अभी हम इसकी बहरल अभी फिर हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे लेकिन ये हमें ज़रूरत होती है तो हम लिख देंगे इसको समझने के काम हम बाद में करेंगे ये हमें फिलहाल पहली तीन लाइनें तो जस्ट एज इज़ होती हैं हमें लिखना होती हैं चौथी लाइन जो है वो सिस्टम से इनपुट लेने के लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये तरीका है वो उधर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि अभी हम यूज़र से इनपुट लेने का सिस्टम इन्वेंट करने नहीं जा रहे बल्कि हम सिर्फ अपना बेसिक जो गेम है उसको इम्प्लीमेंट करने की वो कर रहे हैं तो आ, एक वेरिएबल हमने बना लिया करेक्ट गैस का ताकि हमें जिस वक्त हमें पता गैस हमारा करेक्ट हो जाए आ, उस वक्त हम उसको मार्क कर सकें कि भाई ये अब ट्रू हो गया तो हम गेम ख़त्म कर सकें ठीक है उसके अलावा हमने देखें लोएस्ट हाईएस्ट मिडल और एक इन यानी कि जो, जो यूज़र का इनपुट आएगा आ, हर दफ़ा कि हाँ भैया सही है कि गलत है उसके लिए हमने चार इंटीचर वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिया हमने सीखा था ना कि वेरिएबल हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं आ, या वो क्या होते हैं वो लोएस्ट लो, लो आ, क्या कहते हैं उसे स्मॉल लेटर्स हम उसका नाम रख सकते हैं हम उनके नाम में डिजिट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहरल जो रिकमेंडेड या कन्वेंशन है वो यही है कि हम सिंपल स्मॉल सिंगल वर्ड से नाम रख लें अगर सिंगल वर्ड से नहीं बनता टू वर्ड से बनता है तो टू वर्ड से रखेंगे फिर इन दैट केस हम सेकंड uh, वर्ड को कैपिटलाइज कैमल केस कर लेते हैं कि उसका फर्स्ट करेक्टर कैपिटलाइज यहाँ पर चार हैं वेरिएबल ठीक है लोएस्ट हाईएस्ट मिडल और इनपुट उसके बाद हमने चूंकि एक काम करना था रिपीट के अंदर लूप के अंदर तो हमें सोचना था कि यार कौन सा लूप लगाना चाहिए हमारे पास तीन ऑप्शन थी वाइल की डू वाइल की और फॉर लूप की और हमने हमें ये पता था कि अगर हम डू वाइल का लूप इस्तेमाल करें तो उसकी ये ख़ूबी होती है कि फर्स्ट टाइम जो है ना वो वो लाजमी एग्जीक्यूट होता है ठीक है यानी कि कंडीशन को आपको आ, अगर आपने बाद में चेक करना है फर्स्ट टाइम आपने गेस्ट करना है तो डू वाइल एक आ, अच्छी ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास चूँकि रेंज मौजूद है जो कि जीरो टू हंड्रेड है और हमारे पास एक तरीका मौजूद है कैलकुलेट करने का गेस्ट करने का वो ये क्या है कि उन दोनों का एवरेज ले लो तो लोएस्ट प्लस हाइस्ट किया और डिवाइड बाई टू किया तो लिहाजा हम पहले ये ऑफर करेंगे यूज़र को यार यही तो तुम्हारा नंबर नहीं है तो, तो लिहाजा इससे पहले हमें कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं हम पहले ऑफर करेंगे यूजर कहेगा यस या नो अगर फर्ज कर लेता है वो कहता है नो कि नहीं ये मेरा नंबर नहीं है तो हम उससे अगली लाइन में पूछेंगे ये गैसिंग प्रोसेस क्या है यहाँ गैसिंग प्रोसेस का वो लिखा हुआ गैसिंग प्रोसेस हमारा क्या है ये लाइन नंबर एट मिडल इक्वल टू लोएस्ट प्लस हाईएस्ट डिवाइड बाय टू गैसिंग प्रोसेस हमारा क्या है बेसिकली ये बिजनेस लॉजिक कह लें या जो गेम की जो जान है इस गेम में बाकी चीज़ें तो इम्प्लीमेंट हो रही हैं लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपने नंबर गैस करना कैसे तो हमने भाई हमने ये साइंस लगाई है कि जो भी रेंज हो ना हम उसके बीच वाला नंबर बता देंगे ना तो हम बड़ी जल्दी उसको गैस कर सकेंगे हम इस तरह भी तो कर सकते थे ना कि यार लोएस्ट से शुरू हो जाएँ और हाईएस्ट तक चलें या हाईएस्ट से शुरू हो जाएँ और लोएस्ट तक चलें तुमने सौ गैस किया तुमने निन्यानवे किया तुमने अठानवे किया तुमने सतानवे किया तुमने छियानवे करते जाए कभी ना कभी तो जीती जाएंगे लेकिन उसकी जगह हमने थोड़े सा हम थोड़े से अकलमंद है हमने क्या किया हमने क्या जी कि हमें मिडिल वाला करेंगे और उससे हम पूछ लेंगे कि भाई हाईएस्ट है या लोएस्ट है तो फिर हम इस तरह हम जल्दी करीब पहुंच जाएंगे हमने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम शायद ये सेवन स्टेप में हम गेस uh, कर सकते हैं कहीं का कभी जीरो स्टैंडर्ड तक कोई भी नंबर हो हम उसको सेवन स्टेप्स में सेवन टाइम्स हम यूज़र से पूछ के गेस कर सकते हैं तो लिहाजा ये हमारा बहुत अक्लमंदाना किस्म का फार्मूला uh, था जिसकी वजह मतलब से हम नंबर कैलकुलेट करते हैं इस अक्लमंदाना किस्म के फार्मूले को हम क्या कहते हैं प्रोसेस लॉजिक या बिज़नेस लॉजिक कि जो बिज़नेस लॉजिक है जिसको हमने एक्चुअली अपने प्रोग्राम के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना है ठीक है तो लाइन नंबर एट इज द कोर ऑफ द थिंग थे बिजनेस लॉजिक क्या है बाकी चीजें जो है वो तो जस्ट यूजर से पूछने वगैरह के लिए जो काम करने के लिए हम जो लाइने लिख रहे हैं वो है एक्चुअल जो बिजनेस लॉजिक है वो हमारा काइंड ऑफ दो है एक तो ये मिडल वाला कंप्यूट करना और दूसरा जो है यूजर से आइडिया लेना हिंट लेना कि भाई अब मैं आगे की तरफ अरेंज करूँगा पीछे की तरफ रेंज करूँगा उसके अलावा दूसरी चीज़ जैसे मैंने कहा दो इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरी चीज़ बहरहाल यूज़र इंटरेक्शन भी है तो यूज़र इंटरेक्शन हम यहाँ कैसे कर रहे हैं इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट यानी कि यूज़र से हम चूँकि हमें इंतीजर से हमें हैंडल करना आता है अभी अभी हमने अपने अपने कोर्स के अंदर स्ट्रिंग या करेक्टर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं की तो हम नॉर्मल जो यस yes या नो no यूज़र से पूछने की जगह वाई और एन या यस yes या नो no लिखवाने की जगह हम यूज़र को कह रहे हैं भाई हमें तो सिर्फ नंबर प्रोसेस करना आता है तो तुम जो है ना अगर तो यस है तो तुम वन लिख दो और अगर नो है तो तुम ज़ीरो टाइप कर दो ठीक है Uh, तो लिहाजा हम इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे तो हमें यूज़र से इनपुट यूजर ने जो भी नंबर डाला होगा ना जीरो या वन वो आ जाएगा हमारे पास इनके अंदर हम चेक करेंगे अगर तो वो वन है तो हम कहेंगे ओह यानी कि गैस करेक्ट हो गया क्योंकि हमने यूज़र से पूछा ना क्या जी इज़ द नंबर मिडल यानी कि ये जो नंबर लाइन नंबर नाइन है ये क्या हमारा नंबर जो है यह तुमने जो सोचा नंबर वो ये वाला है मिडल यानी जो हमने मिडल नंबर कंप्यूट किया है अगर वो कहता है यस यानी कि वन डालता है तो हम कहेंगे ओह वी आर डन अगर तो वो जीरो डालता है तो हम अगले उसमें आ जाएंगे हम यूजर से फिर पूछेंगे कि भाई तुम्हारा नंबर बड़ा है कि छोटा है अगर तो वो डालता है अब यानी हमने सॉरी हमने उससे पूछा तुम्हारा नंबर बड़ा है तो अगर तो डालता है वन इसका मतलब है कि उसका नंबर बड़ा है अगर उसका नंबर बड़ा है तो हम लोएस्ट को ऊपर कर देंगे और अगर उसका नंबर छोटा है तो हम हाईएस्ट को नीचे कर देंगे और फिर हम ये लूप में करते जाएंगे ठीक है तो गेसिंग प्रोसेस यूजर इंटरेक्शन और उसके अलावा जो लूप है तो अब ये जब तक लूप चलता रहेगा वो क्या कहते हैं हम करीब से करीब तक पहुँच दे जाएंगे और इंशाल्लाह किसी ना किसी वक्त सेवन स्टेप में या लेस में हम उसको गेट नंबर को गैस कर लेंगे ठीक है जब हम गैस कर लेंगे तो हमारा ये करेक्ट गैस इक्वल टू ट्रू होगा तो हम यहाँ से वापस बाहर आ जाएंगे और बाहर आएंगे तो फिर फिनिश हम कैसे करते हैं सिस्टम डॉट 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 प्रिंटर लें प्रोग्राम कम्प्लीटेड ये हमने उसको यूज़र को दिखा दिया कि भाई प्रोग्राम ये हो गया कम्प्लीट ठीक है और इनपुट डॉट क्लोज जो चीज़ जो सिस्टम रिसोर्सेज हम यूज करते हैं नॉर्मली यानी कि यहाँ पर जैसे हमने इनपुट डॉट इनपुट को हमने यूज़ किया था स्कैनर को तो नॉर्मली उसके ऊपर क्लोज़ का एक मैथड बस ये भी आप समझिए फिलहाल ध्यान में रहकर बस ये करना होता है अगर नहीं भी करेंगे ये वाली लाइन ट्वेंटी फोर्थ तो वो आपको एक वार्निंग देगा आई uh, डी आपका कि भाई ये जो है क्लोज़ नहीं हुआ तो फिर आप उसको क्लोज़ कर दें इस तरह वरना आप वार्निंग देगा भी यार प्रोग्राम को चलाएंगे तो चलेगा सही उसको कोई इस उस तरह मसला नहीं होगा लेकिन अच्छा तरीका यह आगे जो चीज़ आप इस्तेमाल करें उसको अच्छे से क्लोज uh, करके शट डाउन करें लास्ट बट नॉट द डी हमने आज रिटर्न पढ़ा था यहाँ पर रिटर्न कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो प्रैक्टिकली जो लास्ट लाइन होती है वो एक किस्म की रिटर्न होती है अगर आप चाहें अगर मैं चाहता या मुझे उस वक्त याद भी होता तो मैं इस लास्ट लाइन में ट्वेंटी फिफ्थ लाइन में मिसाल के तौर पर रिटर्न लिख सकता था रिटर्न का मतलब होता कि जी नाउ दिस प्रोग्राम हैज़ एंडेड ठीक है मैं रिटर्न कहीं पर भी लिख दूँ इस ऊपर से ले नीचे तक तो वहाँ पर, पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा ठीक है जाहिर सी बात है नॉर्मली जो है ये लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम होगा तो लिहाजा हमारा प्रोग्राम की लास्ट लाइन यहाँ पर ट्वेंटी फिफ्थ है जहाँ पर ब्रैकेट है तो रिटर्न यहाँ पर होगा अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो इम्प्लिसिड है वो जावा जावा, जावा खुद ही से समझ लेगा कि बस मेरे पास और कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ बची नहीं तो लिहाजा ये रिटर्न है ठीक है एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ ये रिटर्न जो है चले अभी छोड़ें अभी मैं बाद में ऐड करूँगा वो चीज़ वरना आपको कन्फ्यूजन होगी ठीक है तो ये हमारे जो कोड था क्या कहते हैं जो हमारा प्रोग्राम था नंबर गैसिंग उसका कोडिफाइड uh, वर्जन है uh, जब आप ये स्लाइड लेंगे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर यह कोड होगा आप इसको कॉपी करके अपने आई डी में जो क्लिप्स आप इंस्टॉल कर लेंगे उसमें पेस्ट करके रन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को आप चला के देख सकते हैं ठीक है होपफुली ये चलेगा बहुत अच्छा ना भी चले तो चलेगा जरूर कम से कम आप नंबर गैस करके दे देगा ठीक है Uh, थोड़ा सा अगर मैं उस तरफ चला जाऊं कि जी uh, जब भी हमारा हमारा कंपाइलर जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे तो क्या करेगा uh, वो इन सारी लाइंस के अगेंस्ट uh, जो है ना uh, बाइट कोड जनरेट करेगा ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि वो छोटे ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले क्या है मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है लोएस्ट प्लस हाईएस्ट यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो जब वो लाइन नंबर एट को प्रोसेस कर रहा होगा तो वो एक पहले वो इन दोनों को ऐड करने का कोड लिखेगा फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको इससे डिवाइड करने का कोड लिखेगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो मिडल को कोड लिखेगा ठीक है तो इस तरह करके आ, मैं आपको आ, अगले किसी से सेशन में आ, ये वैसे अगर आप खुद भी चाहें तो जब ये कोड को आप कंपाइल करें तो डॉट क्लास फाइल बनेगी उसके बिन फोल्डर के अंदर आप उसको बाइनरीप्स uh, में भी इवन खोल के देख सकते हैं कोई बाइनरी एडिटर लें और उसको खोल के देखें उसके अंदर उसकी शक्ल होती कैसी है uh, जो डॉट क्लास फाइल बनती है तो आपको कुछ uh, मैं ये नहीं कि आपको समझ आ जाएगा लेकिन आपको कुछ समझ जरूर आ जाएगा कि आखिर साइंस हो क्या रही है ठीक है ना और ये फॉर द टाइम बिंग इतना समझ आना इज गुड हम आगे चलते हैं इधर पीछे इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी नहीं तो हम आगे चलते हैं मॉडुलैरिटी ये यानी कि नेचुरली अगर हम देखें यानी कि ये मेरे ख्याल में कोई बताने की बात नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनती है हर चीज़ के जो है वो हम ब्रेक करें तो उसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिन कॉम्पोनेट्स से मिलकर नई चीज़ बन रहती है इसको ब्रेक करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ तो हम मॉलिक्यूल लेवल तक पहुंच जाते हैं मॉलिक्यूल से चीज़ें बनी हुई हैं और उस मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करें तो वो एटम्स में चले जाते हैं एटम्स को ब्रेक करें तो न्यूक्लियस और एलेक्ट्रॉन बलबला और अगर उस, उसको ब्रेक करें तो हम जितना हम करते जाएँ हर चीज़ दूसरी चीज़ों से बनी होती है ठीक है तो हर कॉम्प्लेक्स हम इसको सादा लफ्ज़ में यूँ भी कह सकते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है वो कम कॉम्प्लेक्स चीज़ों से, से मिल के बनती है यानी इसकी कोई और रॉकेट साइंस नहीं है ये ऐसे ही बनता है ठीक है सारे सारी दुनिया की चीज़ें कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट डिफरेंट ठीक है यहाँ भी हम क्या करते हैं आ, हम पहले सिंपल पेसिस ऑफ कोड लिखते हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं और उससे हम कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हासिल करते हैं ठीक है हमने ये एग्जाम्पल पहले ही बल्कि शुरू बहुत शुरू में देख ली थी हमने कहा था कि यार जो हमारा प्रोसेसर होता है उसका जो बेसिक से बेसिक से बेसिक वर्जन होता है बेसिकली वो जस्ट आ, जो हमारा प्रोसेसर होता है वो जस्ट प्लस कर सकता है ठीक है फिर हमने कहा था कि अगर हमारा एक प्रोसेसर का बेसिक से बेसिक वर्जन जो है वो प्लस कर सकता है तो हमारा कोई दूसरा प्रोसेसर जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता होगा क्यों क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो प्लस का रिपिटेटिव प्रोसेस है तो ठीक है uh, तो हमने कहा था कि uh, तो मल्टीप्लिकेशन जो है चूँकि रेपिटेशन uh, का सॉरी एडिशन का रेपिटेटिव प्रोसेस है तो लिहाजा हमारा ये वाला प्रोसेसर क्या कर सकता है uh, या यूँ कह लें कि ये वाला सिस्टम क्या कर सकता है कि इस वाले सिस्टम को यूज़ uh, कर ले ठीक है ये अगर प्लस पहले ही कर सकता है तो जस्ट ये बाकी चीज़ें उसके इम्प्लीमेंट करें जो मल्टीप्लीकेशन में चाहिए यानी कि रेपिटेटिवली कॉलिंग दैट प्लस वन तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन uh, की खूबी आ जाएगी ठीक है उसको मल्टीप्लिकेशन में चूँकि बार बार एडिशन करना पड़ता है तो इसको इट्सल्फ इसको एडिशन इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा तो ये एक वेरी सिंपल प्रोसेस से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने हासिल कर लिया ये हमने पहले ही पढ़ा था ठीक है और इससे हम ऑन सो ऑन बहुत सारी इसको इमेजिन करें तो हम इससे बहुत सारा कुछ कर सकते हैं ठीक है आ, तो इसी तरह से ही बिल्कुल इसी यूँ कह लें कि स्टेप बाय स्टेप हम अगर बढ़ते जाएं तो हम ये चीज़ आगे, आगे पी, सॉफ्टवेयर सौ्फ, सौ्फ, पीसेस को सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे हम पीसेस में लिखते हैं और उसको हम बड़ा करते हैं एक तो उसका मकसद ये होता है कि जी हम उसकी मदद से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को हासिल कर सकें दूसरा ये होता है कि चूंकि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसको मॉड्यूलर करते हैं ताकि हम उसको रीडेबल हों हमारे लिए मैनेजेबल हो ठीक है तो इसका कंप्यूटर साइंस में जो या सॉफ्टवेयर में इसका कह लेंगे मॉड्यूलरिटी की बहुत हर जगह ही चूँकि यूज़ होता है तो ये बहुत ही कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब तो खैर मीनिंग तो उनका एक ही होगा ब्रेक करना और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना लेकिन वो बहुत जगहों पर यूज़ होंगे यानी कि उसका बेसिक से बेसिक लेवल क्या है हमारा जो हमारे हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम का छोटा लेवल जो कि फंक्शन मैथड्स ऑब्जेक्ट्स और इस तरह की चीज़ें ये बेसिक से बेसिक लेवल है आ, वो आ, इसको हम किस तरह कहेंगे इसको हम इस तरह कह कह सकते हैं देखें आ, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके आ, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं सॉरी एक सेकंड ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे के फिर मैं आगे चलता हूँ एक कंक्रीट एग्जांपल के पास फिर यही वही हमारा रैम भाई आ ठीक है इस रैम भाई के पास जो है ना यहाँ पर हमें पता है कि एड्रेसेस होते हैं एड्रेसेस का मतलब ये है कि जो जो भी है इसका नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव जिससे हम इसको एड्रेस कर सकें पॉइंट कर सकें और इसके अंदर हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन या वट चीज़ होती है ठीक है तो हमने कहा था कि हमारा प्रोग्राम जब मेमोरी में, में लोड होता है तो उसके अंदर कोड या इंस्ट्रक्शन होती है उसके अलावा उसमें क्या होता है उसमें उसका कोई डेटा होता है ठीक है और वो रिस्पॉन्स में कोई डेटा प्रोड्यूस करता है ठीक है यहाँ पर तो बस ये तीन चीज़ें होती हैं यानी कि कुछ ना कुछ प्री रेकजिट शुरू होने से पहले उसको कोई डेटा चाहिए मिसाल के तौर पर हमारे नंबर गेम को ये डेटा चाहिए था कि भाई रेंज है क्या एक जीरो से लेकर हंड्रेड तक है ठीक है और फिर उसके बाद वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान वो जो भी प्रोसेसिंग करता है कमांड्स होती हैं प्लस उसको मजीद कोई डेटा चाहिए होता है मिसाल के तौर पर यूज़र से पूछता है ठीक है और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो एंड आउटपुट कुछ होता है यानी कि हमारे नंबर गैसिंग गेम में तो प्रैक्टिकली आउटपुट uh, ऐसा जो उस तरह कुछ नहीं था uh, लेकिन आउटपुट uh, ये हो सकता है कि जी वी हैव सक्सेसफुली टर्मिनेटेड यानी वी हैव वॉन हु वन फॉर एग्जांपल यूजर या कंप्यूटर फर्ज कर लो टारगेट ये था कि जी चार दफ़ा में गैस uh, करना था तो अगर चार दफ़ा में गैस कर लिया कंप्यूटर ने तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर तो जीता है और अगर सात दफ़ा में गेस्ट किया है तो उसका मतलब यूज़र जीता है तो इस लिहाज से वो एंड पे एक यहाँ पर कंप्यूटर या यूज़र का जो नाम होगा वो एक आउटपुट के तौर पे हो सकता था तो प्रैक्टिकली जो समझने की चीज़ है वो ये है कि किसी भी प्रोग्राम या किसी भी पीस ऑफ कोड के ये तीन चीज़ें होती हैं जो उसको इनपुट मिल रहा है जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है और कुछ वो आउटपुट जनरेट कर रहा है तो ये जो तीन चीज़ें हैं जो इनपुट मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है इन्हीं के बेस पे हम आ, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं यानी कि एक प्रोग्राम को अगर फ्लाई इनपुट चाहिए फ्लाई इनपुट चाहिए उसकी बेस पे वो एग्जीक्यूट करके एक रिस्पांस दे सकता है तो हम एक दूसरा प्रोग्राम बना के उसको हम इस वाले प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं अगर हमारे पास वो इनपुट जो उसको चाहिए वो हमारे पास है तो हम उसको देंगे तो वो रिस्पांस में हमें ये वाला जो चीज़ वो कंप्यूट करता है वो हमें दे देगा वापस इसको हम आइडिया uh, से uh, ज़मीन पर लेकर आते हैं लेट्स सी हमारा नंबर गेसिंग गेम ठीक है फिर आ गया हमारे पास uh, इतना ज़बरदस्त गेम है कि वो आ जाता है हमारे पास बार बार uh, और वो क्या था नंबर गेसिंग गेम इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ द गेस्ट नंबर एंड आस्किंग यूजर इफ दैट नंबर इज़ करेक्ट ठीक है दो काम करता था ना वो कैलकुलेट करता था गैस नंबर बड़ी कोई रॉकेट साइंस लगाता था Uh, के दोनों नंबर का मिडिल uh, कंप्यूट करता था और जब वो नंबर मिडिल कंप्यूट हो जाता था तो यूज़र को कहता था यही है सेकंड स्टेप क्या आता था, था? यूज़र को कहता था यही नंबर है ठीक है और वो अगर यूज़र uh, कहता था हाँ तो सही है नहीं है नहीं तो फिर वो कहता था कि भाई फिर बताना बड़ा है कि छोटा है ठीक है तो क्या uh, हम ये जो दोनों स्टेप्स हैं यूज़र से बात करना यूज़र से इंटरेक्शन और कैलकुलेशन ऑफ द नंबर दैट इज़ यू नो मिडिल वन नंबर जो कैलकुलेट करता है ठीक है इन दोनों का हम अगर हम सेपरेट कर दें ये आपको पीस ऑफ कोड नज़र आ रहा है ठीक है सबसे पहली बात तो देखें इसमें ऊपर क्या है मल्टी लाइन कॉमेंट्स लिखे हैं ठीक है ना और मल्टी लाइन कॉमेंट्स में वही चीज़ है जो कि जो मैंने कहा था कि एक्सप्लेनेशन के, के जी इस ये जो हमारे नीचे जो एक कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम का नाम है आस्क यूज़र वो प्रोग्राम जो है वो आ, करता क्या है तो वो मल्टी लाइन कॉमेंट में लिखा हुआ है रिटर्न ज़ीरो इफ गेस्ट नंबर इज़ करेक्ट और गेस्ट नंबर क्या है गेस्ट नंबर जो है पैरामीटर यानी कि यहाँ पर जब हम जो हमारा ये प्रोग्राम है उसके शुरू में ये चीज़ लिखी हुई है अभी हम इसके डिटेल में हम जाएंगे लेकिन इसके यहाँ पर जो चीज़ होती है इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने इस प्रोग्राम को कंप्यूट करना है किसी प्रोग्राम ने इसको इससे कुछ पूछना है तो उसको ये नंबर देना होगा ठीक है गेस्ट नंबर देना होगा और ये वाली चीज़ देनी होगी यूज़र से इनपुट यानी कि लेने का तरीका ठीक है ये दो चीज़ें अगर वो देगा तो मैं बताऊंगा क्या मैं क्या बताऊंगा पॉजिटिव वन इफ़ द अच्छा सबसे पहले तो ज़ीरो कहूंगा अगर अगर मैं रिटर्न में जीरो कहूँगा आपको तो इसका मतलब होगा कि भाई नंबर सही है यूज़र ने कहा नंबर सही है तो डन य डन अगर तो मैं वन कहूंगा तो इसका मतलब है कि नंबर जो है ना तुम्हारा टू स्मॉल है इफ़ द गेस्ट नंबर इज़ टू स्मॉल यानी कि मेरा नंबर बड़ा है ठीक है और अगर मैं नेगेटिव वन यानी कि माइनस वन कहूँगा तो इसका मतलब है कि जी मेरा नंबर जो है वो छोटा है ठीक है तो ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी मल्टी लाइन कॉमेंट्स में ताकि हमें आज के उधर के हम जाए तो हम कोड को पढ़ने की जगह हम अगली लाइन पे हम जाएँ और यहाँ देखें कि जी ये इन इफ़ इन इज इक्वल टू वन है तो ये रिजल्ट इक्वल टू जीरो है तो फ़्लाएँ तो फ़्लाएँ तो ये उससे हमें शायद पढ़ थोड़ा टाइम लग जाए उसकी नस्बत अगर हम लाइन नंबर फाइव और सिक्स को देखेंगे तो फ़ौर हमें पता लग जाएगा कि ये प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है तो प्रोग्राम लेकिन कर क्या रहा है आ, वो कर वही रहा है जो उधर हमने अभी अंग्रेज़ी में बता दिया के जी वो यूज़र से इनपुट लेता है अगर तो वो वन देता है तो इसका मतलब है कि वो काम हो गया तो वो रिज़ल्ट को ज़ीरो कर देता है क्योंकि रिज़ल्ट उसने अभी हमने कहा था ना कि रिटर्न करता है ठीक है रिज़ल्ट रिटर्न करता है तो वो रिज़ल्ट उसने रिटर्न करना है तो वो जीरो रिटर्न करेगा तो उसका क्या मतलब होगा कि जी जो नंबर गैस करना था वो हो गया और अगर वो यहाँ देखें मैंने थोड़ा सा कोड को कॉम्प्लिकेट कर दिया है लेकिन बहरल आप लोग हीरो हैं आज ही है। आपने पढ़ा है और आज ही हमने इसको, इसको इस्तेमाल कर लिया ए... क्या था ये ऑपरेटर इसका नाम क्या था कंडीशनल ऑपरेटर था ना हाँ कंडीशनल ऑपरेटर कि जी अगर यूज़र ने रि रिस्पॉन्स हमें दिया है वन तो हम इसको दे देंगे वन अगर उसने कहा है कि नहीं हमारा नंबर छोटा है तो हम उसको माइनस वन दे देंगे ठीक है तो रिज़ल्ट को वन या माइनस वन यहाँ से असाइन हो जाएगा और अगर जीरो होगा तो वो यहाँ से असाइन हो जाएगा तो जो भी असाइन होगा जीरो वन या माइनस वन वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ठीक है तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जो कि और कुछ नहीं करता वो सिर्फ़ ये करता है अगर आप गौर से देखें वो सिर्फ ये करता है कि उसको कोई नंबर मिले ना यानी कि मेरा एक प्रोग्राम है अगर मुझे आप मुझे एक नंबर दें तो मैं क्या करूँगा यूज़र से पूछूंगा कि यार ये नंबर है मेरे पास इज़ इट करेक्ट इधर क्या अगर नहीं तो फिर मैं कहूँगा अच्छा चल बता कि भाई छोटा है नंबर या उससे बड़ा है तो वो जो भी मुझे बताया कि मैं उस लिहाज से आपको आपने मुझे नंबर दिया था ना गेस्ट नंबर मैं आपको वापस कर दूंगा यार जीरो वन या माइनस वन यानी कि जीरो का मतलब होगा कि आपने नंबर सही बताया था वन का बड़ा और माइनस वन छोटा इसका फ़ायदा क्या होगा ये राइट साइड पर देखें हमारा वही कोड है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले गेस्ट नंबर का था ठीक है एग्जेक्टली exactly वही कोड यानी कि तकरीबन है लेकिन एक लाइन में फर्क आ गया एक लाइन में तो नहीं फर्क आया काफ़ी सारी लाइनों में फर्क आया लेकिन एक थोड़े से आइडिया में फर्क आ गया अब देखें जो हमारा कोड था उसमें हमने ये सारे काम किए थे वेरिएबल्स डिफाइन किए थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो हमने क्या किया था मिडिल कैलकुलेट यानी कि नंबर हमने कैलकुलेट किया था हमने बड़े रॉकेट साइंस लगाए थे हमने उसका एवरेज लिया था तो लिहाजा एवरेज लेने के बाद हमने क्या किया हमने जो है ना पहले तो हमने उसके साथ इफ़ एल्स इफ़ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था वो आप अगर आप वापस जाएंगे उस स्लाइड के ऊपर और देखेंगे तो कोड थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लेक्स था यहाँ हमें देख के साथ पता लग रहा है कि यार एक तो यहाँ ये कंप्यूटेशन कर रहा है ठीक है और दूसरा यहाँ यूज़र से पूछ रहा है कि ये सही है कि गलत है और उसके आगे चूंकि लिखा हुआ आस्क यूज़र बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ आस्क यूज़र इसका मतलब है उसके लफ्ज से जुमले से उसके आस्क यूज़र से ही मैं पता लग गया कि वो जो मिडल नंबर जो है जो उसने कंप्यूट किया है वो आस्क यूज़र के अंदर डाल के कह रहा है कि भाई ये सही है कि गलत है क्योंकि अगर वो सही है तो उसके बाद वो गेम ख़त्म कर दें तो ये वाला जो कोड देखें डू यू एग्री कि जी ये उससे काफ़ी सिंपल हो गया मैनेजेबल हो गया यानी कि इसके और बहुत सारे फायदे हैं मॉड्यूलरिटी के हमने जब इधर जो इसके बीच में यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ था हमने उसको सेपरेट करके यहाँ कर दिया ठीक है मुश्किल से बनता है आ, कर दिया तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सबसे असल चीज़ हमें क्या हासिल हुई हमारे पास सिम्प्लिसिटी आ, आ गई ठीक है आप कहेंगे कि इस सिम्प्लिसटी के और क्या क्या फ़ायदे हैं तो मैं आपको एक मज़े का एक फ़ायदा और दिखा देता हूँ अब देखें आ, हमने क्या किया हमने जो है ना ये राइट वाला प्रोग्राम को चेंज किया आ, चेंज क्या किया हमने कहा कि जी हमारे पास ना एक और तरीका है मिडिल कैलकुलेट करने का ठीक है और उसका नाम है कैलकुलेट नंबर एन वे ठीक है ये वाली चीज़ ठीक है कैलकुलेट नंबर एन अदर वे तो अगर मेरे पास एक और तरीका है तो अब ये हमारे पास कोड देखें बड़ा सिंपल है नंबर गेसिंग गेम में हम जो नंबर है यहाँ इसका नाम ऐसे मिडिल है तो इसका नाम मिडिल नहीं होना चाहिए गेस्ट नंबर होना चाहिए बढ़ावर लेकिन जो भी है नंबर नाम से थोड़ा सा हम इसको सही कर लेंगे गेस्ट नंबर कर लेंगे तो गेस्ट नंबर को हम एक हमारे पास कोई और प्रोग्राम किसी और क्योंकि हमारे पास तो जितनी अकल थी वो तो यही थी कि भाई मिडल नंबर ले लो ठीक है तो हो सकता है कोई और बंदा बहुत ज़्यादा कल हो वो इस गैस इसको गैस करने को आ, कोई अच्छा तरीका उसको पता हो ठीक है तो वो उसको जिस तरह यहाँ पर एक चीज़ इंप्लीमेंट हुई है आज के यूज़र इसी तरह वो एक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ वो, वो कैलकुलेट नंबर इन अदर वे ठीक है बहुत अच्छे तरीके से तो हम उसको कॉल करेंगे और उसको अपनी रेंज दे देंगे वो हमें रिस्पांस में हमें नंबर दे देगा जब हमें नंबर दे देगा तो हमारे पास जो दूसरा प्रोग्राम है आज के यूज़र का हम उसको देंगे हम कहेंगे यार हमें बताओ ये नंबर सही है कि नहीं अगर तो वो कहेगा सही है तो हम ख़त्म कर देंगे नहीं सही कहेगा तो हम कहेंगे यार फिर कैलकुलेट कर लें हमारे पास चेंज जो यानी कि ओवरऑल हमें यहाँ कुछ नहीं चेंज करना पड़ा हमारा प्रोग्राम में भी वही हो हमारा इस लिहाज से अगर हम कैलकुलेट नंबर अनदर वे है तो इसकी जो अगर फ़र्ज क्या फ़र्ज कर लें अगर कोई साइंस में इन्वेंशन होती है और कैलकुलेट नंबर अनदर वे जो है कोई नए तरीके से ऐसी इन्वेंशन कर सकता है कि दूसरों को दूसरों का नंबर आप गैस कर सकते हैं ठीक है तो आपको ये वाला प्रोग्राम नहीं चेंज करना पड़ेगा आप जाएंगे आप सिर्फ़ इस वाले प्रोग्राम और वो वाली साइंस जो नई साइंस ईजाद हुई है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे कैलकुलेट नंबर एनदरवे में ये वाला प्रोग्राम का कोड का एक लाइन भी चेंज नहीं होगा वो वाला प्रोग्राम जो कैलकुलेट नंबर एन अदरवे है उसको आप चेंज करेंगे तो ये वाले प्रोग्राम में उस, उस उसकी खूबी को आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो इस तरह करके आप uh, मॉड्यूलरिटी का फायदा उठा सकते हैं ठीक है ये हमारा बेसिस है ब्रेकिंग के चीज़ों को च, ब्रेकिंग मतलब यानी कि तोड़ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर करना आ, अगले लेक्चर में हम जो है वो फंक्शंस मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे देखेंगे तो या आ, दिस वाज द लास्ट स्लाइड तो आज इसको देखें आ, तो इनशाला अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो अभी आप कर सकते हैं एज यूजल नहीं तो आ, हम अगले लेक्चर में इनशाला फिर इसके फंक्शन और मेथड्स और इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे तो फिर इसका आपको इट विल मेक मोर सेंस ठीक है वी आर डन फॉर टुडे